तो इलायची के सेवन से बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है जिससे खाने की इच्छा बढ़ने लगती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने लगते हो तो पिछली तीन चार वीडियो से मैंने इस कैप को पहन रखा है इसके पीछे की वजह ये है कि हमारे यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है साथ में बारिश भी हो रही है मुझे जिससे ठंड ना लगे तो इसलिए मैंने इस कैप को पहन रखा है और कभी आप सोच रहे हो कि मैं गंजा हुआ गंजा बिल्कुल नहीं हुआ हूँ मैंने ये इसलिए पहन रखा है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है जिससे सर्दी ना लगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती और जिनका डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है तो इलायची उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है सही सुना इलायची इलायची काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और भी कई सारे फ़ायदे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि हमारी भूख बढ़ सके हमारा डाइजेशन ठीक हो सके जिससे हम जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो हम ईजिली डाइजेस्ट कर पाएँ तो ये वीडियो के एंड में जानेंगे सबसे पहले इस इलायची कुछ फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं अगर आप जाने या अनजाने में इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसके फ़ायदों के बारे में भी पता होना चाहिए कि इससे मुझे कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं और अगर आप इलायची नहीं खा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसके कौन से फायदों से बच रहे हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे बिल्कुल भी स्किप ना करें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में तो चलिए जानते हैं सबसे पहला फ़ायदा सबसे पहला फायदा इसका मिलता है सर्दियों के दिनों में जब सर्दियों के दिनों में हमारे गले में खराश हो जाती है हमारा गला बैठ जाता है तो इलायची से ये गले की खराश ठीक हो जाती है तो सुबह उठने के बाद और रात को सोते समय आपको इलायची के दाने चबा चबा कर खाने हैं और उसके साथ में गर्म थोड़ा गुनगुना सा पानी पीना है जिससे आपके गले की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दूसरा जो फायदा है यदि आपके गले में सूजन आ रही है तो इस सूजन को कम करने के लिए इलायची काफ़ी फायदेमंद है तो इसके लिए मूली के पानी में आपको छोटी इलायची के दाने पीस कर पी लेने हैं जिससे आपके गले की सूजन काफी जल्दी ठीक हो जाएगी तीसरा फायदा है सर्दी खांसी और छींक ज़्यादा आ रही है तो उस मामले में आप इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको सर्दी लगी हुई है खांसी ज्यादा हो रही है छीके बंद नहीं हो रही है तो आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हो इलायची के साथ आप एक छोटा टुकड़ा अदरक का लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल करके पान में रख इसका इस्तेमाल कीजिए आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी को सफ़र के दौरान काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होती है यदि आपको भी सफर के दौरान उल्टियाँ होती है या आपके रिलेशन में किसी को सफ़र के दौरान उल्टी होती है तो उसके जेब में इलायची रख दीजिए वो सफर के दौरान इस इलायची को खाएगा तो उसे उल्टी नहीं लगेंगी अगर किसी को बदहजमी की प्रॉब्लम है कवच की प्रॉब्लम है तो डेली खाना खाने के बाद थोड़ी सी इलायची का कंज्यूम कीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके क्योंकि बदहजमी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बताई जाती है तो आप चीज इस का इस्तेमाल कर सकते हो यदि आपको हिचकी की प्रॉब्लम है तो उस मामले में भी ये इलायची काफी फायदेमंद है हिचकी को बंद करने के लिए एक रिसर्च में बताया गया है कि जिन लोगों को हिचकियाँ ज्यादा आती है तो अपने मुंह में इलायची डालने और धीरे धीरे चबाते रहें, तो इससे आपकी हिचकियां बंद हो जाती है ये भी कारगर तरीका है काफी ज्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और उनको इसके रिजल्ट भी मिले हैं हिचकी की प्रॉब्लम में अब बात करते हैं मेन पॉइंट की जिन लोगों को भूख नहीं लगती जिनका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता तो वो इस इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं इलायची इनके डाइजेशन को इम्प्रूव कराने में काफी हेल्प करती है इससे आप जो भी खाना कंज्यूम करोगे वो इजिली डाइजेस्ट हो सके और साथ में जो आपकी भूख है वो भी इंक्रीज होगी तो इलायची के सेवन से बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है जिससे खाने की इच्छा बढ़ने लगती है और आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाने लगते हो तो गाय जो इलायची इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया और फंगस को मारने के गुण होते हैं जिससे हमारा डाइजेशन भी ठीक रहता है तो आप इस इलायची को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करें तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो उसे जरूर लाइक कीजिए और तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे देखने को मिले हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो वहाँ पर फॉलो कीजिए अपने क्वेश्चन डालिए मैं आपका हंड्रेड रिप्लाई दूंगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत